गाड़ी है टाटा एज गोल्ड प्लस, इसमें यूरिया ख़त्म हो गया है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और कस्टमर कह रहा है इसमें काफ़ी लाइट आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत है। अरे इसमें जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट है इसमें एक तो चेक लाइट आ रही है और एक चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है और एक DFF की लाइट आ रही है और इसमें इसका DFF का जो मीटर है वो भी ख़त्म बता रहा है। गाड़ी को स्कैन करते हैं, हमने स्कैन कर लिया है, स्कैन करके इसमें 34 कोड आ रहा है जो कि ज़्यादातर कोड मेमोरी में है, बाकी हम कोड के एक दो कोड इसमें कन्फर्म है जैसे यूरे लेवल लो, बाकी इसको अब हम क्या नाम लेते हैं क्लियर करेंगे, क्लियर करके देखते हैं कितने कोड बचेंगे इसमें, बाकी ये यूरे लेवल में ज़्यादा कन्फर्म पड़े हैं, बाकी ज़्यादातर मेमोरीज में क्या पता गाड़ी कब से कहीं स्कैन नहीं हुई है। कोई नहीं, हम फॉल्ट कोड क्लियर करते हैं, क्लियर करके देखते हैं कितने फॉल्ट कोड इसमें बचते हैं कन्फर्म में। तो आज हमने फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया, इसमें 4 कोड पड़े हैं कन्फर्म में जिसमें 3 कोड तो यूरे लेवल लो हैं जो कि यूरिया ख़त्म होने की वजह से आ रहा है और एक SCR सिस्टम फॉल्टी व्हीकल शटडाउन। ये जब कोड बन जाता है, ये कोड यूँ बनता है जब यूरिया ख़त्म हो जाता है, तो यूरिया ख़त्म हो जाता है तो अब हमसे इसको हमें रिसेट करने पड़ेंगे, इसके हमें सेंसर यूरे लेवल का सेंसर रिसेट करना पड़ेगा और SCR सिस्टम रिसेट करना पड़ेगा जो कि स्पेशल फंक्शन में जाके रिसेट होता है। तो अब हम पहले इसमें यूरिया डालेंगे, टाटा का जेन्युइन यूरिया ही इसमें डलता है, देख सकते हैं टाटा का जेन्युइन यूरिया आ चुका है, अब हम इसे गाड़ी में डालेंगे। और एक बात ध्यान रखें, कभी भी गाड़ी में यूरिया लोकल ना डालें, जेन्युइन ही डालें, जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी की यूरिया डालें, क्योंकि गाड़ी में अगर लोकल यूरिया डाल देते हैं तो गाड़ी झटके मारती है और कभी कभी यूरिया लेवल सेंसर भी रिसेट नहीं होता। यूरिया डालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। तो गाइस यूरिया डल चुका है, देखते हैं अब क्या क्या लाइट आ रही है, क्या क्या कोड क्या है, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ जाके क्या रिसेट करना है, मैं आपको सब बताता हूँ। देखिए इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद देखिए इसमें अब लाइट ब्लिंक कर रही है सारी जो जो पहले कर रही थी, और अभी यूरिया भी नहीं दिखा रहा मीटर के कितना यूरिया इसमें डाल चुका है, जबकि 5 लीटर यूरिया डाल चुके हैं। देखते हैं स्कैन करके क्या होता है, स्कैन करते हैं, स्कैन में आपको पता लगेगा कि अब कोड अब भी कोड मेमोरी में नहीं जाएंगे, अब भी कन्फर्म में पड़ेंगे। अब मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ, अब ये देखो अब भी कोड कन्फर्म में है कितने भी अभी हम स्पेशल फंक्शन में जाके इसके यूरिया लेवल रिसेट करेंगे और SCR सिस्टम रिसेट करेंगे। हम जाएंगे अब आपका ये स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, ये देखो स्पेशल फंक्शन में आ चुके हैं, अब हम इसमें जाएंगे DFF SCR सिस्टम रिसेट, जो कोड बनता था रिसेट हो गया सक्सेसफुली। अब जाएंगे हम फॉल्ट कोड और ये लाइट भी चली गई।